हेलो फ्रेंड, कैक्टस सकुलेंट केयरिंग टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं अपने रात में आपको ग्रीन हाउस का व्यू दिखाऊंगा। तो जानते हैं दिन भर में हमारे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर कितना रहा। तो हमने इसमें एक मीटर लगाया हुआ है, टेम्परेचर मीटर, जिससे हमें पता चलता रहता है कि टेम्परेचर दिन में क्या था। देखिए 42.5 दिन में, 95 ह्यूमिडिटी, अभी 26 हो रहा है अंदर का टेम्परेचर और 81% ह्यूमिडिटी है। जो सुबह तो मैंने इसमें स्प्रे किया था पानी का, और वो पानी पूरा उड़ चुका है। देख के लग रहा है कि पूरी सॉइल सूख चुकी है। बरसात में क्या है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं लगाना है अपने सकुलेंट्स में, अवॉइड करना है ज़्यादा पानी लगाना। बस थोड़ा थोड़ा इनको पानी स्प्रे से देना है। कोशिश करनी है कि इनको पानी कम से कम दें। ज़्यादा पानी देंगे तो आपके सकुलेंट्स गल जाएंगे। और हाँ, इस समय अपनी सकुलेंट्स की कटिंग बिल्कुल ना करें बरसात में। इसमें क्या होगा, अगर आपने इस समय कटिंग करी, अपने सकुलेंट्स की गल रहा है कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि अपने सकुलेंट्स को जहाँ से गल चुका है उस हिस्से को हटा दें, और जहाँ से आपका प्लांट सही है, जैसे मेरा ये था, एक आयोनियम की वैरायटी है, ये ख़राब हो गया, पर इतना हिस्सा मैंने बचा लिया इसका, और मैंने इसमें फंगीसाइड लगा दिया नीचे, देख रहे हैं आप। अगर इसमें फंगीसाइड नहीं लगाएंगे तो इसमें आपका इंसेक्ट अटैक हो जाएगा, जो कि आपके प्लांट्स को जहाँ से कट किया है वहाँ से ख़राब कर देंगे। और इस समय अगर आप नया सकुलेंट्स परचेज कर रहे हैं तो उसको ऐसी सॉइल में लगाएं कि उसको आपने सनलाइट में उसको मतलब पूरा सॉइल सुखा दिया हो। गीली सॉइल में बिल्कुल ना लगाएं इस समय अपने न्यू प्लांट को। ये समय सकुलेंट्स के लिए आपके सकुलेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेव करने का है। देखिए इसमें कितने सारे पॉप्स आ गए। ये क्यूबिक है, इचीवेरा क्यूबिक है, इसमें और हाँ, आपने इसके पास तो होगा ही, आपके पास ये सकुलेंट्स क्रेसुला की वैरायटी है, ये गोमती। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी लगाएंगे तो इस बरसात में क्या होगा कि इसके जो लीव्स हैं ब्लैक हो जाएंगे। इनकी टिप्स दिखाता हूँ मैं, कुछ होगा तो मेरे पास, मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ उन पर बिल्कुल पानी डालना। ये देखिए ऊपर की टिप्स देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल सूख चुकी है। इस समय इन पर बिल्कुल पानी ना दें, बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रे करें पानी का, वरना ज़्यादा पानी देने से इनके ये गल जाएंगे। और इसमें एक छोटा बेबी हो रखा है, देखिए इसको भी हम कहीं लगाएंगे, इसे कोकोपीट में लगाना चाहिए। मैं कुछ अपने जो सकुलेंट्स हैं कुछ कोकोपीट में लगाता हूँ, कुछ इसमें, वो तो मैं ऐसे, क्योंकि कोकोपीट सक्सेस नहीं है सकुलेंट्स के लिए ज़्यादा इस रेनी सीजन में, बस मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। वैसे तो मैं सिंडर में लगाता हूँ उनका, अपने सारे सकुलेंट्स को ज़्यादातर। और हैंगिंग बास्केट रेडी है, ये देखिए इसमें ज़रा मैंने गैप कर रखा है, क्योंकि अगर इसकी छत पे चिपका दूंगा हैंगिंग बास्केट बिल्कुल तो ख़राब हो जा रही हैं। ये मेरा है फायर स्टॉर्म, इधर मैंने हवर्थिया लगाए हुए हैं, हवर्थिया हैं, सेंसीवेरास हैं मेरे पास, देखिए पूरा आगे से। और
यही टिप्स है आज की वीडियो में कि आपने सकुलेंट से ज़्यादा पानी ना दें इस बरसात में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवॉइड करें इनमें और इनको ध्यान दें इन पे, बिल्कुल पानी का स्प्रे से पानी दें, बिल्कुल इन्हें स्प्रे से। अगर प्लांट के पानी ऊपर रुक रहा है तो उसको हटा दें। कुछ टाइम पहले मैंने सकुलेंट्स की कटिंग करी थी, ये बार रेनी सीज़न से पहले, ना कि रेनी सीज़न में। अब ये देखिए अगावे है, ये जगवार काफ़ी सुंदर हो रहा है। देखिए इनमें भी ज़्यादा पानी नहीं लगा रहा मैं, ये कटिंग की थी मैंने, इनको सुखाया था एक दो हफ्ते तक, बरसात से पहले सुखाया था मैंने। अब ये रेडी है, इन्होंने जड़ पकड़ ली है पूरी। अगर मैं इस समय इनकी कटिंग करके लगाता तो 100% गल जाती। इसलिए कटिंग करके लगाए मैंने, क्योंकि एक लैगी हो जाती है इनकी शेप सनलाइट ना मिलने के कारण। ये देखिए एक मेरा ही है आयोनियम, ये भी आयोनियम है, ये भी आयोनियम है, एक ये भी आयोनियम है, ये भी आयोनियम है, ये है मेरा एलोवेरा वेरीगेटेड। ज़्यादा पानी ना दें बस, यही आज की टिप्स है सकुलेंट्स के लिए। और अपने सकुलेंट्स को शेडी इलाके में रखें, ज़्यादा बारिश के पानी में न रखें। मेरी तरह आप भी सकुलेंट्स के ग्रो करिए और हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।